हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कन्वर्ट डिज़ाइन हिंदी यूट्यूब चैनल। आज नए साल में नए एक वीडियो के साथ आया हूँ। और सबसे पहले मैं आपको सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के हो गए हैं। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है क्रॉप करना है एक इमेज को सर्कल की साइज में। ओके, सर्कल में कैसे आपको कोई भी इमेज को सेट कर देना है, क्विकली हो जाएगा। तो अंत तक बने रहे और देखते रहे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहले जो कोई भी बैकग्राउंड अगर यदि आप चाहते हैं तो आप इसे रख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा कर दिया है मेरा कलर लोगों के हिसाब से, और मैंने यहाँ पर जो मेरा लोगो है वो भी ले लिया है, एक यहाँ पे सिर्फ रख दिया है क्योंकि मुझे चाहिए। ओके, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो कोई भी इमेज अगर आपको पता है तो इमेज आप सेट कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पर आपको एलिमेंट्स पे जाना है, क्लिक करना है सर्च में, यहाँ पर आपको लिखना है सर्कल फ्रेम। ओके, जैसे ही आप ऐसा सर्कल फ्रेम लिखोगे तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएगी, पर यहाँ पे आपको इस वाली फ्रेम की कोई ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर आपको ये फ्रेम्स के अंडर में पहली जो ये सर्कल वाली है इसमें भी काफ़ी सारी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट भी है, वो अकॉर्डिंगली आपके यूज़ के बेस पर आप उसे ज़रूर ले सकते हो और इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी यही वाली एक फ्रेम ले लेता हूँ, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिंपली वो फ्रेम ऐड मैंने कर ली है। अभी आपको क्या करना है, जो कोई भी इमेज यहाँ पर आपको लेनी है तो उस फोटो पे आपको चले जाना है, और यहाँ पर से मैं ये वाली जो एक इमेज है उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को आपको हाईलाइट करना है, वो अच्छी दिखेगी वहाँ पे, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर इमेज अच्छी नहीं सेट होती तो आप चेंज दूसरी भी कर सकते हो। मेक श्योर कि जब भी आप ऐसी कोई इमेज यहाँ से लो तो वो मेक श्योर कोई वो इमेज फ्री ही हो। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं कि एक इमेज अच्छी सी ये वाली है तो इसे हम ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने इमेज ले लिया, तो अभी इसे हम आपको ड्रैग करना है, और जैसे ही आप थोड़ा इसको मूव करोगे इमेज को खींच के तो कुछ इस तरीके से वो और ऐसे आपको वो फ्रेम है वो भी ऊपर हाईलाइट हो जाएगी, इमेज भी आपकी ब्लर हो जाएगी, और जैसे ही आप अपना कर्सर छोड़ दोगे वो फ्रेम में ऑटोमेटिक जाके वो इमेज सेट हो जाएगी। अगर आपको इसे जूम करना है तो आपको सिंपली डबल क्लिक करना है वो फ्रेम पे। जैसे ही आप फ्रेम पे डबल क्लिक जब भी करते हो तो वो इमेज सेलेक्ट हो जाती है। ओके, इमेज सेलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे से इसको खींचना है। जैसे ही खींचोगे तो उस तरीके से वो दोनों जो फ्रेम्स है वो जो इमेज वो आपको सेट कर लेनी है ट्रैक करके। जितना भी यहाँ पे आपको डार्क पोर्शन दिख रहा है, यानी कि वाइट में ये जो फ्रेम के साइज में जितना पोर्शन दिख रहा है वो पोर्शन वो फ्रेम में डिस्प्ले होगा। तो जैसे ही हो जाए तो एक बार आपको बाहर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपको ये अच्छी लगे तो आप इसे सिंपली कहीं भी मूव कर सकते हो, सेट कर सकते हो, फ्रेम को भी बड़ा कर सकते हो। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी अच्छी इमेज जो है वो फ्रेम में सेट हो चुकी है, और एक्स्ट्रा डिज़ाइन भी आप आपको जैसे भी पसंद हो वैसे कर सकते हो। तो बहुत से छोटे इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, मल्टीपल जगह पे ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। अगर ऐसी काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको सीखनी है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट मैंने बनाए रखे हैं, तो उसमें से भी आप जाके आप कुछ भी है वो ऐड कर सकते हो। मेक श्योर कि यहाँ पे एक कम्युनिटी की टैब भी है, वो भी आप रेगुलर बेसिस पे चेक करना, वहाँ पे भी मैं कुछ कुछ चीज़ें टाइम टाइम के हिसाब से मैं डालता रहता हूँ। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप किसी भी यहाँ पे कमेंट में जाके या कोई भी वीडियो के कमेंट में भी आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।